नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर डबरा से है, जहां राजश्री गुटखा के अवैध भंडारण पर की गई कार्रवाई। नायब तहसीलदार पूजा मावाई ने की कार्रवाई। बड़ी भारी मात्रा में राजश्री गुटखा के 140 बैग किए जब्त। प्रशासन के प्रतिबंध के बाद भी थोक में बिक रही थी राजश्री गुटखा। गोदाम को किया गया सील। साइंसी एजेंसी के संचालक पर 188 की कार्रवाई की जाएगी। साइंसी एजेंसी के संचालक का कहना है कि मेरे पास इसकी परमिशन है। आखिर फिर क्यों की राजस्व अधिकारी ने कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। कितना माल पकड़ा हुआ था मैम? लगभग इसमें लगभग, चूंकि इनका गोदाम है तो यहाँ पर हमें 140 बैग तंबाकू के पाए गए हैं, जिसमें से कुछ माल में से ये लोग बिक्री कर रहे थे, तो उसकी हम सीले की कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, जैसा कि संचालक बता रहे हैं, जो गोदाम संचालक है, कि गुटखे से प्रतिबंध हट गया है, ऐसा कुछ है क्या मैम? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन पे से प्रतिबंध हटा है, लेकिन बिक्री पर अभी भी प्रतिबंधित है, तो बिक्री आप खुले में नहीं कर सकते। एक एजेंसी है, साइंस एजेंसी करके, जो कि थोक विक्रेता भी है, उनकी दुकान भी है। तो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी, तो जिसमें चेक किया और लोगों से पूछा, दो आदमी हमने पकड़े भी हैं जो इनसे तंबाकू और गुटखे खरीद रहे थे। तो इनके दस्तावेज चेक किए तो इनके पास 140 बैग पान मसाला के आए थे और 25 बैग तंबाकू के आए थे। जब स्टॉक को हमने चेक किया तो अभी 76 के करीब इनके पास पान मसाला बचे हैं और 11 इनके पास तंबाकू बचे। इससे पाया जाता है कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, और जबकि प्रतिबंध है बेचना, वो उन्होंने बेचा। आगे सर, इन पर किस तरीके की कार्रवाई? अभी जब्ती की कार्रवाई हो रही है और कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना है, तो उसके उनके खिलाफ कर। जब्त किए गए माल की कीमत क्या होगी सर लगभग? अभी इसकी हम कर रहे हैं इंक्वायरी और पूरा चेक कर रहे हैं क्या कितने रेट में आया था, क्या है फिर उसका। सर, ये कहाँ, ये जो पुड़िया जर्दा पुड़िया थी, कहाँ छपाने का काम करते थे? ये भीड़ तो काफ़ी लगी थी, हम पूछे तो लोग भग गए हमको देख के, फिर भी दो को पकड़ पाए। तो जो फुटकर दुकानें हैं या क्या है, तो विवेचना का विषय है, चेक करें कहाँ पहुँचा रहे थे। सर, माल वैध है या अवैध, इस तरीके से अभी कोई पुष्टि हो पाई है? के हिसाब से तो इन्होंने वैध खरीदा है, तो वो खरीद सकते थे, परंतु बेचना कानून के खिलाफ था, तो वो बेच रहे। ठीक है।